नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपके साथ हम बहुत ही अमेजिंग किचन टिप शेयर करेंगे। सारी किचन टिप बहुत यूजफुल है, तो आई होप और इन टिप का इस्तेमाल करने के बाद आप बहुत सारा समय और बहुत सारे पैसों की बचत कर पाएंगे और काम बहुत आसान तरीके से होंगे और बहुत ही परफेक्ट तरीके से होंगे। तो चलिए बिना देर करे हुए आज की बहुत ही यूनिक टिप स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें से जो भी टिप पसंद आए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए हम सबसे पहली टिप स्टार्ट करते हैं बिंदी के पत्तों को लेके। हम सब अपने घर में बिंदी तो लगाते ही हैं और इस तरह के पत्ते मार्केट से लेके आते हैं, लेकिन जब हमारी बिंदी खत्म हो जाती है तो हम इन पत्तों को उठा के फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद आप ये पत्ते बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, क्योंकि आज हम इससे एक ऐसी चीज बनाएंगे जो बहुत महंगी आती है और सबके पास नहीं रहती। तो चलिए, ये हमारे पास एक बिंदी का पत्ता है जो बिंदी खत्म होने के बाद इस तरह से बच जाता है। तो हमको क्या करना है, ये बिंदी का पत्ता चारों तरफ से खुला रहता है, तो सबसे पहले हमको बिंदी के पत्ते में इस तरह से स्टेपलर लगा लेना है, जिससे कि बिंदी का पत्ता सिक्योर हो जाए। एक तरफ हमने स्टेपलर की 3 पिन लगा ली, और जब आप इस तरह पिन लगा रहे हैं ना नीचे साइड, तो थोड़ा सा बिल्कुल किनोर की तरफ ही लगाएं, क्योंकि अगर आप आगे लगा देंगे तो फिर हम इसमें जो भी चीज रखेंगे ना तो परफेक्ट नहीं आएगी। और ये देखिए, ये बिंदी का पत्ता हमारा बन गया है कार्ड होल्डर। बहुत ही अच्छा कार्ड होल्डर बन गया है, आप यकीन नहीं मानेंगे। अगर आप इसमें कार्ड रखते हैं तो 7 से 8 कार्ड बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे और बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। आप इसको अपने पॉकेट में आराम से रखिए और जितने दिन तक आपको यूज करना है करिए, जब खराब हो जाए तो फिर से दूसरे पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बिंदी का पत्ता अगर आप रेगुलर इस्तेमाल में लेते हैं तो कम से कम 4 महीने तक आराम से चलेगा। तो फ्री की टिप थी, घर में हमारे बिंदी के पत्ते रखे रहते हैं तो क्यों ना हमको इस तरह यूज कर लेना चाहिए। आई होप आपको टिप पसंद आई हो। अब हम चलते हैं एक ऐसी टिप के साथ जो स्पेशली हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ठंड का टाइम है और अभी बिस्तर पूरी तरह से ठंडे हो जाते हैं और जब हम इसमें लेटते हैं तो हमको ही ठंडा लगता है। तो सोचिए, हमारे बेचारे छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, उनको कितनी ठंडी लगती होगी, क्योंकि बिल्कुल बिस्तर बर्फ जैसा हो जाता है। तो हमको इस बिस्तर में लेटने से पहले इस तरह आयरन कर लेना है, जिससे कि बिस्तर गर्म हो जाए। और फिर इसके बाद हमको एक टिप और यूज करनी है, जिससे कि बिस्तर ठंडा नहीं होगा, गर्म ही बना रहेगा। और यकीन मानिए, ये बहुत ज्यादा यूजफुल टिप है। आप एक बार इसका इस्तेमाल अगर कर लेंगे ना तो हमेशा इसी तरह यूज करने वाले हैं। तो ये देखिए, मैंने पूरे बेड में अच्छे से आयरन कर लिया है और ये बिस्तर हमारा गर्म बना रहे। इसके लिए हमको क्या करना है, हमें लेना है जो भी हम अपने बिस्तर में कम्बल या फिर रजाई ओढ़ते हैं ना, वो ले लेनी है। और पूरे इस तरह बिस्तर में अभी हमने प्रेस किया था तो रजाई से इस तरह से कवर कर लेना है, जिससे कि अभी हमने बिस्तर में प्रेस किया था तो गर्माहट रजाई के अंदर हो और बिस्तर बहुत ज्यादा हीट हो जाए। अब जब हम इस बिस्तर में लेटेंगे या फिर अपने बच्चों को लिटाएंगे तो यकीन मानिए बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, पूरा बिस्तर गर्म है। तो अब ये टेंशन खत्म की ठंड आ गई है, सबसे पहले जाके बिस्तर गर्म करना है, अब आपको गर्म बिस्तर ही मिलेगा। आई होप ये टिप भी पसंद आई हो। चलिए चलते हैं एक और बहुत ही यूजफुल टिप के साथ। ये है हमारे एग, और हम सबके घर में एग का इस्तेमाल होता रहता है, स्पेशली ठंड में तो हम एग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऑमलेट बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, एग बॉईल करके खाते हैं, तो हम एग का तो इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे एग के छिलके होते हैं उनका आप क्या करते हैं, मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग एग के छिलके को फेंक देते हैं, लेकिन आज से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आज हम इनका ऐसा यूज करने वाले हैं कि आप सच में यकीन नहीं कर पाएंगे और ये बहुत बहुत ज्यादा कॉस्टली चीज बन जाएगी। देखिए, हमने एग के छिलके ले लिए हैं तो ये आप 1 दिन में 2 दिन में 4 दिन में जैसे भी एग खा रहे हैं तो बस छिलके इस तरह से स्टोर करते जाएं या फिर एक एक करके उनका इस्तेमाल करते जाएं। तो ये देखिए, आज मैंने एग की सब्जी बनाई थी तो मेरे पास 7 से 8 एग के ये छिलके हैं, तो मैंने इनको अच्छे से इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और ये बहुत आसानी से टूट जाते हैं। आप किसी पॉलिथीन वगैरह में इस तरह से डाल के तोड़ सकते हैं या फिर ये पॉलिथीन को अच्छे से फोल्ड करके मसल दें, तब भी एग के छिलके आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। ये देखिए इस तरह, तो मैंने टाइट की पॉलिथीन ले ली है, इसमें सर्फ खत्म हो गया था तो मैंने इसी का यूज कर लिया। तो आप किसी भी पॉलिथीन का या फिर आप फर्श में भी इस तरह एग के छिलके डाल के और तोड़ सकते हैं। ये देखिए, छोटे छोटे टुकड़ों में एग टूट गया है। अब हमें क्या करना है, ये बन गई हमारी फर्टिलाइजर। हम सबके घर में बहुत सारे प्लांट होते हैं तो आप अपने देखिए प्लांट में इस तरह से एग के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं। और ये बहुत महंगी फर्टिलाइजर हो गई, हम मार्केट से जब फर्टिलाइजर खरीद के लाते हैं बहुत ज्यादा महंगी आती है,
और उनमें इतनी ग्रोथ भी नहीं होती कि अगर आपने उनको डाला तो आपके पौधे इतने हरे भरे होंगे कि दोबारा डालना नहीं पड़ेगा। तो ये घर में रखी हुई बेस्ट चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने प्लांट की ग्रोथ कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने एक के छिलके सारे प्लांट में डाल दिए और अभी आपको इस तरह बिल्कुल नहीं छोड़ना। हमने जब ये छिलके डाले उसके बाद आपको थोड़ी सी गुड़ाई कर देनी है जिससे कि छिलके मिट्टी में मिलेंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ हमारे पौधों को देंगे। मेरे पास बहुत सारे आउटडोर और इंडोर प्लांट हैं, मैंने उसका वीडियो आपके साथ शेयर किया है। मैं घर में बहुत सारी फर्टिलाइजर बनाती हूँ और सारी चीजें वेस्ट होती हैं। हम अपने किचन में इतने सारे काम करते हैं, वहीं से हमारी बहुत सारी खाद तैयार हो जाती है। मैंने पहले भी आपके साथ वीडियो शेयर किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक आई बटन में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके वीडियो जरूर देखें, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये छोटी सी टिप थी गार्डन को लेके, आई होप आपको ये टिप बहुत ज्यादा पसंद आई हो। और जब आप एग के छिलकों का फर्टिलाइजर बनाते हैं तो तुलसी के प्लांट में बिल्कुल भी नहीं डालना है, बाकी सारी चीजों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तुलसी में आप मेरी दूसरी बनाई हुई फर्टिलाइजर का यूज कर लें। आई होप आपको ये टिप पसंद आई हो। और अब हम चलते हैं एक ऐसी टिप के साथ जो आज आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि हमारे हजारों रुपए इस टिप में बचने वाले हैं। क्योंकि हम मार्केट जाते हैं, बहुत सारी क्रीम खरीद के लाते हैं, पार्लर जाते हैं, फेशियल करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लाते हैं, फिर भी हमारा चेहरा ग्लो नहीं करता। लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा, आपको ये सारी चीजें बंद कर देनी है, पैसे बर्बाद नहीं करने और फ्री में अपना चेहरा चमका लेना है। हम अपने घर में दूध तो लेते ही हैं और दूध में देखिए ऊपर इस तरह की गाढ़ी गाढ़ी मलाई आ जाती है और ये कच्चा दूध है, कच्चे दूध का ही इस्तेमाल करना है। तो हमको ये ऊपर की आधा चम्मच मलाई इस तरह से निकाल लेनी है। और अगर गाय भैंस का ताजा दूध है तब तो बिना मलाई के भी आपको कच्चा दूध एक चम्मच निकाल लें, वही बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो ये देखिए मैंने आधा चम्मच इस मलाई को निकाल लिया। अब हमको सुबह उठ के जब हम अपना हाथ मुंह धोते हैं तो इसको अपने फेस में लगाना है, 30 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर ठंडे पानी से वॉश करें। रिजल्ट देख के हैरान हो जाएंगे। टिप बहुत यूजफुल है, इस्तेमाल जरूर करिएगा। और ये देखिए, ये है हमारी चाय और आज की टिप है हमारी बहुत ही स्पेशल चाय को लेके। जब हम चाय पीते हैं कई बार हमारे कपड़ों में इस तरह से चाय गिर जाती है और चाय के दाग बहुत जिद्दी होते हैं, अगर सूख गए तो ये जाते नहीं है। तो सबसे पहली टिप ये है कि जैसे ही आपके कपड़ों में चाय गिर जाए तो आप उस कपड़े को तुरंत धोने में डाल दें, जिससे कि इंस्टेंट चाय के दाग छूट जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम होटल में जाके चाय पीते हैं, किसी के घर में जाते हैं और चाय पीते हैं, वहाँ अगर चाय गिर गई तब आप इस टिप का इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो चाय को अच्छे से टिश्यू पेपर से पोंछ पोंछ के सुखा लेना है, फिर आपको लेना है नींबू का आधा पीस और इस तरह से जहाँ भी चाय गिरी है अच्छे से रगड़ दें, जिससे कि चाय के दाग इंस्टेंट छूट जाएंगे। और नींबू बहुत ही हेल्पफुल है चाय के दाग छुटाने में। तो जब भी आज के बाद आपके कपड़ों में चाय गिर जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और चाय के दाग छुटा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस कपड़े में अभी चाय गिराई और व्हाइट कलर का कपड़ा था जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। और ये देखिए पूरे दाग छूट गए, दोनों पेयर एक जैसे दिख रहे हैं, बस एक गीला है एक सूखा है और कोई अंतर नहीं है। आई होप आपको ये टिप पसंद आई हो। चलिए ये है हमारी लास्ट टिप और ये है हमारे घर घर में बनने वाली अरहर की दाल की टिप। और ये बहुत यूजफुल टिप है, आप इंस्टेंट अरहर की दाल जल्दी से कैसे बना पाएंगे, साथ ही साथ ऐसा हम इसमें क्या डालें जिससे कि ये दाल जब सीटी आए तो पानी बाहर ना जाए, तो बस वही छोटी सी टिप है। तो दाल में देखिए ये सारी चीजें हम डाल देंगे। उसके बाद हमको दाल में डालना है 1 से 1.5 टेबल स्पून सरसों का तेल। अगर सरसों का तेल नहीं है तो आप जिस भी तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तेल डाल सकते हैं, बस कुकर का ढक्कन बंद करें। अब जब आप इसमें बिसे लेंगे ना तो पानी बिल्कुल भी दाल का बाहर नहीं आएगा, साथ ही साथ दाल में एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और दाल जल्दी पकेगी। तो ये टिप आप जरूर आजमाएं, मेरे घर में हमेशा यूज होती है। आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई हो। तो आज की टिप आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय।